नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे, आईबीएम टीवी 9 न्यूज और डब्ल्यूएच न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूँ। संविधान चौक का हर आंदोलन हम आपको हमारे दोनों चैनल के माध्यम से दिखाते हैं। आज भी संविधान चौक पे समाजवादी पार्टी नागपुर जिला की ओर से ईवीएम हटाओ और लोकतंत्र बचाओ इस मांग को लेके समाजवादी पार्टी नागपुर जिला की ओर से आंशिक कुपोषण किया जा रहा है। एडवोकेट रमेश कुमार सिन्हा, जो समाजवादी पार्टी के नागपुर जिला अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में ये आंशिक कुपोषण किया जा रहा है। अपन उनसे जानेंगे। सर, ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ इस मांग को लेकर संविधान चौक पे आप आंशिक कुपोषण कर रहे हो, क्या बताओगे? देखो, लोकशाही जो है वो सर्वसामान्य आदमी को न्याय देती है, और लोकशाही जिंदा है जब लोगों का मतदान का सही उपयोग हो जाए। हम ये देख रहे हैं कि 2014 से लेकर ईवीएम के माध्यम से जिस तरह सरकार सत्ता में आ रही है और जो किसान है, मजदूर है, इनका बड़े पैमाने पर शोषण कर रही है। अगर इस व्यवस्था को, इस ईवीएम मशीन को अगर हम नहीं हटाते तो गलत लोगों के हाथ में ये भारतीय लोकशाही जा रही है। इस लोकशाही को हमको बचाने के लिए इस ईवीएम को हटाना बहुत ज़रूरी हो गया। समाजवादी पार्टी दो चीज़ की अभी मांग कर रही है, एक तो ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर से चुनाव लिया जाए। दूसरी समाजवादी पार्टी की मांग है कि उत्तर प्रदेश में फिर दोबारा चुनाव लिया जाए। ईवीएम हटाओ लोकतंत्र को बचाओ, लोकतंत्र बचाओ इस मांग को लेकर आज समाजवादी पार्टी संविधान चौक पे यह आंदोलन कर रहे हैं। बैलेट पेपर से ही देश का चुनाव होना चाहिए। बैलेट पेपर से अगर चुनाव होता है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमारे साथ में तना नागपुरी जी भी है, हम उनसे भी जानेंगे। क्या बताओगे आज जो ये उपोषण चालू है? ये समाजवादी पार्टी के आंदोलन का मैं समर्थन करता हूँ। लोकतंत्र बचाओ ईवीएम हटाओ जो नारा इन्होंने दिया और सत्य दिया है, आज 5 राज्यों में जो चुनाव हुई है, आज ईवीएम का कहीं ना कहीं इस पर घालमेल रहा है। कुछ बड़ी ताकतें जो प्रशिक्षक होते हैं वोट को बदला देते हैं। मैंने तो यहाँ तक कहा है कि पाँव की पायल चुरा लेते हैं, आंखों का काजल चुरा लेते हैं, हम कैसे वोट करें लोकतंत्र में? तना ये तो वोटों के मशीन से एक प्यार का आंचल चुरा लेते हैं। तो हमारे प्यार से डाले हुए जो वोट है उसको चुराने वाले जो बड़े लोग हैं, बड़े जातिवादी लोग हैं, ये सत्ता का एक दुरुपयोग कर रहे हैं। अपने राजनीतिक फायदे के लिए आपको हमको बरगला कर वोट डालने तक तो वहाँ लाते हैं। हमको लगता है कि हमारा एक सर्वहारा वर्ग कहीं ना कहीं कांग्रेस को दे रहा है, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को दे रहा है, कहीं ना कहीं और किसी को पार्टी को दे रहा है, मगर सारे वोट कहीं ना कहीं ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ईवीएम मशीन से कैसे गायब कर लेते हैं। बड़े बड़े जगह पर जाकर इनके लोग ऐसे प्रशिक्षक बैठे कि वो बटन दबाते हैं, सारे वोटों को अपने अख्तियार में कर लेते हैं और ईवीएम मशीन को कहीं ना कहीं बदनाम करवा देते हैं। इधर बोलते हैं कि हम लोकतंत्र को बचाने के लिए सारे चुनाव समय पर कराते हैं, मगर चुनाव अपने सत्ता के लिए कराते हैं, लोगों को कहीं ना कहीं बरगलाने के लिए कराते हैं। इसलिए लोकतंत्र बचाना है। आज के आंदोलन को तना नागपुरी ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ का समर्थन करता है और ऐसे नेताओं को सावधान करता है कि 5 राज्यों में जो आपने यहाँ पे सरकारें बनाने का जो मानस व्यक्त किया है, जो दावा आपने किया है, वो अलोकतांत्रिक है, असंवैधानिक है। अगर आप सचमुच बैलेट पेपर से चुनाव कराते इसका नतीजा और कुछ हो सकता था। ये नतीजा आज लोगों को जो दिख रहा है, आपके मनमानी का दिख रहा है, आपके तानाशाही का दिख रहा है, आप एक तरफा कहीं ना कहीं हुकूमत का दिख रहा है। इसलिए तना नागपुरी आपका कहीं ना कहीं इस मौके पर निषेध करता है और सत्ताधारी पार्टी को चैलेंज करता है कि वक्त आने पर जिस दिन बैलेट से चुनाव होगा, मशीनों को रोक कर अगर चुनाव होंगे तो आपकी सत्ता न जाने कहां चली जाएंगी और सचमुच मानवता को लोकतंत्र का कहने के नया आयाम मिलेगा और बाबा साहब के संविधान का नया सलाम मिलेगा। इतना ही कहते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत। बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए, क्या बताओ? हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के माध्यम से भारत के लोकतंत्र में एक नई जान आई है, जिसका काम है मतदान देना, निष्पक्ष मतदान करना। और भारतीय जनता पार्टी की मनुवादी सरकार ने हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर के सपने को, इस देश को जो बनाने का सपना बाबा साहब ने देखा था, वो मतदान के मशीनों को ही हैक करने का काम इन्होंने शुरू कर दिया है। और वो दो हमारे जो देश में जो बिल्डर है, जो मतलब बहुत क्या बोलेंगे हम उनको, पैसे वाले जो है, जैसा हमारे अंबानी जी और अडानी जी, इनके जो टावर लगे हुए हैं, टावरों के माध्यम से ईवीएम को हैक करके जहाँ पे इनके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो रही है वहाँ पर ये अपने उम्मीदवारों को चुनकर लेकर आ रहे हैं, इससे ज़्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। इसलिए समाजवादी पार्टी संपूर्ण भारत भर में ऐसी छोटे छोटे आंदोलन चला करके ईवीएम हटाओ और लोकतंत्र बचाओ यह मांग प्रथम रूप से कर रही है। साथ ही ये मांग कर रही है कि उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ दूसरे नंबर पर हमारे उम्मीदवार रहे वहाँ पर पुनः मतदान कराया जाए और वो भी बैलेट पेपर के माध्यम से कराया जाए।
ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ, इस मांग को लेके समाजवादी पार्टी की ओर से संविधान चौक पे ये उपोषण शुरू है। हमारे साथ में और भी समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता है, नेता लोग हैं, हम उनसे भी जानेंगे, क्या बताओगे? आज तो मैं धन्यवाद देना चाहते रमेश जी सिन्हा साहब को कि जो ईवीएम के माध्यम ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ के ये मुद्दा लेके यहाँ पे उपोषण में बैठे हैं। उसी प्रकार हम समाजवादी साथी भी उनके साथ कंधे से कंधे मिला के यहाँ पे बैठे। आज जिस प्रकार अपने देश में अफरा तफरी मची है और जो मनुवादी सत्ता अपने भारत में बैठी है वो पूरी तरीके से ईवीएम के माध्यम से बैठी है। ईवीएम को हैक करना, ईवीएम को चिप्स में बदल कर और उनको जिसका वोटिंग है उसको न जाते हुए दूसरे को वोटिंग जा रहा है, जैसे कोई भी हम जिसकी बटन दबा रहे जैसे हम हत्ती की दबाए या फिर साइकिल की दबाते वो वोट हम कमल को जा रहा है। तो हमारा जो हमारा आंतरिक मुद्दा है, आंतरिक शक्ति है, आंतरिक मतदान है, हमारा खुद का जो जनमानस की आवाज़ है वो हमारा छीनता जा रहा है। जब तक यहाँ पे ये भारत देश में ईवीएम हटती नहीं है या ईवीएम नहीं रहती है तब तक ये देश लोकशाही माध्यम से नहीं रहेगा, ये गुलामगिरी के माध्यम से जाएगा। जो काल 2500-5000 पहले गुलाम होता था आज भी उसी प्रकार गुलाम होते जा रहा है और इसमें जिस प्रकार गुलामगिरी होती थी आज ये ईवीएम के माध्यम से क्या कर रहे हैं, जाति भेद ये थे हिंदू मुस्लिम और ये नारे लगा कर यहाँ पे लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। जब तक हम ईवीएम को हटाएंगे नहीं हमारा देश बचेगा नहीं, लोकशाही बचेने की नहीं, इसलिए ईवीएम हटाओ देश बचाओ ये नारा लेके हम उपोषण में बैठे हैं सिन्हा साहब के साथ में और समाजवादी पार्टी पूरी तरह से ईवीएम के खिलाफ है, ईवीएम हटाने का नारा लेती है। ईवीएम हटाओ और लोकतंत्र को बचाओ, इस मांग को लेकर आज समाजवादी पार्टी नागपुर जिला की ओर से संविधान चौक पे ये आंशिक उपोषण किया जा रहा है, क्या बताओ? मेरा नाम है डीसी चांद, क्या बताओगे इस संदर्भ में? हमारा ऐसा कहना है कि इसके बारे में पहले भी काफ़ी चर्चा हो चुकी है, कई डेमोंस्ट्रेशन दिए गए हैं कि ईवीएम से ऐसे गलत ढंग से यानी वोटिंग हो सकती है, फिर भी इसके ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना ही ये आवाज़ को हमेशा दबाते गए। तो जो सरकार है बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार के होने की वजह से इस मामले को इस मुद्दे को हमेशा ही एक पॉलिटिकल स्तर पर दबाया गया, तो इसलिए अभी सभी तरफ से जो अभी उत्तर प्रदेश में और वकीलों के तरफ से भी ये मांग सामने आई कि ईवीएम को हटाना चाहिए और इसी तरह जो चुनाव आयोग है उन्होंने भी ये अभी ये मान्य कर लिया कि अभी आगे जो चुनाव होगा वो ईवीएम से नहीं होगा। इससे जाहिर है कि इनकी जो अभी जो मांग है ये मांग यानी रास्ता है और ये मांग पूरी करना चाहिए। ईवीएम हटाओ और लोकतंत्र को बचाओ, इस मांग को लेके आज आंशिक उपोषण समाजवादी पार्टी की ओर से नागपुर जिला की ओर से किया जा रहा है और इनकी एक ही मांग है, जब लोकतंत्र को अगर बचाना है तो ईवीएम को हटाना इस देश से जरूरी है और बैलेट पेपर पे ही चुनाव लेना चाहिए। तो आप देखते रहिए आईबीएम टीवी 9 न्यूज़ डब्ल्यूएच न्यूज़, हाँ आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद, नमस्कार।